हेलो फ्रेंड्स व्हाट्सअप माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सुप्रीम मैक तो आज मेरे सामने है टाटा पंच जो जैसे कि देख सकते हैं ब्रांड न्यू कार है जस्ट अभी लॉन्च हुई है एंड मेरे सामने इसका बेस मॉडल है तो आज हम करेंगे इसकी फ़ुल डिटेल रिव्यू एंड मैं इसके आपको स्पेसिफिकेशनस भी बताऊँगा एंड ये भी बताऊँगा कि इसमें आपको क्या क्या अवेलेबल होता है एंड क्या क्या नहीं होता है एंड इस प्राइस रेंज में आपको कितना मिलता है तो गाइज़ इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी दबाएं एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द सुप्रीम मैक वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले मैं आपको इसका वॉक्राउंड दे देता हूँ थोड़ा सा एंड थोड़ी सी डिटेल इसकी और बता देता हूँ एंड गाइज प्राइजिंग की अभी बात की जाए तो टाटा पंच का जो प्राइस शुरू होता है वो फाइव लाख से शुरू होता है एंड तकरीबन एट लाख तक जाता है तो ये अपने सेगमेंट की काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड चीपेस्ट कार मानी जाती है तो पीछे आपको पंच की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है एंड और किस वाइट इसका कलर रहता है इसमें आपको जो देखने को मिलता है इसमें आपको ग्रे कलर भी देखने को मिल जाता है तो जब ग्रे कलर आएगा मैं उसकी भी आपको फुल डिटेल बता दूंगा तो फिलहाल इस वक्त हमारे सामने है वाइट कलर तो ये रहा इसका फ्रंट की लुक तो फ्रंट से भी काफ़ी अच्छी लग रही है आ, मुझे जैसे नेक्सॉन होती है ना उस तरह थोड़ा बहुत उस तरह की भी लुक देती है बीच बीच में बट इसकी अपनी एक लुक है तो शुरू करते हैं वीडियो को एंड बात करें इसके फ्रंट पार्ट से तो जो इसकी हमें हेडलाइट्स है वो हमें यहाँ पे हेलोजिन देखने को मिल जाती है ऊपर भी आपको टर्न इंडिकेटर का यहाँ पे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं एंड फॉग लाइट इस वेरिएंट में आपको अवेलेबल हो नहीं होगी तो वाइज ये इस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट आता है जो प्योर वेरियंट आता है वो इस कार का है एंड साइड की बात की जाए तो ये रही इसकी फ्रंट की ग्रिल्स बीच में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे साइड पे भी आपको यहाँ पे हॉर्न का कुछ देखने को मिल जाएगा ऐसे थोड़ा सा ये कट किया हुआ इन्होंने आई डोंट नो वाई यहाँ पे फ्रंट की ग्रिल्स पे या फिर तो पूरी देता है या फिर थोड़ा सा कट करने का कोई इशू था नहीं बट चलो ये इनकी अपनी मर्जी है एंड यहाँ पर आपको हॉर्न का देखने को मिल जाता है फ्रंट की ग्रिल्स की बात की जाए तो ये रही नीचे की ग्रिल्स यहाँ पर भी आपको एरो शेप की ग्रिल्स देखने को मिल जाती हैं पार्किंग तो आपको आगे सेंसर्स नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि बेसिक बेस मॉडल है एंड फॉग लाइट्स भी आपको यहाँ पे नीचे नहीं देखने को मिलती हैं तो ये रहा इसका फ्रंट का पार्ट तो मैं आपको इसकी कुछ कीज़ बता देता हूँ तो ये रही इसकी बेसिक कीज़ दो कीज़ आती हैं एंड यहाँ पे आपको कुछ भी कंट्रोल देखने को नहीं मिलते एकदम बेसिक कीज़ हैं तो चलते हैं कार के पीछे करते हैं इसके बूट को ओपन में आपको कुछ इसकी बूट स्पेस बता देता हूँ एंड गाइस आपको यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे आपको बटन भी दिया गया है तो जस्ट आप बटन को प्रेस करेंगे एंड ये अपने आप ओपन हो जाएगा तो जैसे कि देख सकते हैं इसकी बूट स्पेस आपको थ्री लीटर की मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा भी नहीं एंड कब भी नहीं कह सकते नॉर्मल है आप अपने लगेजेज एंड बैगेजेज रख सकते हैं यहाँ पे साइड आपको हुक्स देखने को मिल जाती है जो कि जिसका वेट आप वन के जी तक रख सकते हैं एंड लाइट्स का ऑप्शन यहाँ पे पीछे आपको नहीं देखने को मिलेगा तो करते हैं इसको क्लोज एंड यहाँ नीचे भी आपको लाइट्स छोटी सी देखने को मिल जाती हैं पीछे की ओवर लुक की बात की जाए तो यहाँ पे बीच में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा नीचे पंच की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी पार्किंग सेंसर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टू पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं एंड uh, आप जैसे आप जैसे देख सकते हैं यहाँ आप पे आपको रेर वाइपर भी नहीं है रे डिफॉगर भी नहीं है एंड ये कुछ एनिमल फैमिली यहाँ पे आपको पीछे टाइगर था इस वक्त आपको राइनोसॉस देखने को मिल जाता है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है uh, ये रही इसकी हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प ऊपर आपको रूफ मोटे का ऑप्शन आगे देखने को मिल जाता है टे लाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हेलोजिन टेल लाइट्स देखने को मिल जाती हैं एंड जो उसका लुक है वो भी मुझे ठीक ठीक लगा क्योंकि थोड़ा सा आगे तक गया है शार्प लुक है इसका एंड मुझे भी अच्छा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको आपको टेल लाइट का जो पीछे का लुक्स है वो कैसे लगी हैं तो मैं आपको पीछे की एक और फिर से बता देता हूँ तो ये रही पीछे की लुक्स मैं काम करता हूँ आपको लाइट्स ऑन करके बता देता हूँ तो गाइज़ जैसे कि देख सकते हैं लाइट्स मैंने ऑन कर दी हैं एंड यहाँ पे आपको जो टर्न इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है एंड ये रही इसकी टेल लाइट्स जो कि आपको हेलोजीन देखने को मिल जाती है तो ये रहा है इसका पीछे का फुल लुक आई होप आपको इसका पीछे का लुक पसंद आया होगा तो ये एकदम बेस मॉडल से शुरू होती है एंड इसका जो कलर है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको इसका कलर कैसा लगा है तो चलते हैं साइड पे एंड गाइस बात करें इसकी टायर्स की तो यहाँ पे हमें 15 इंचिस के स्टील रिम्स टायर देखने को मिल जाते हैं एंड बॉडी क्लाइडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे हमें ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्लास्टिक का स्टफ देखने को मिल जाता है आपको क्योंकि यहाँ पे मैं चाह रहा था कि ये बॉडी ग्लाइडिंग जो होती है वो बिल्कुल छोटी से है पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी दिखी हुई है तो ये आपको एक प्लास्टिक का मटेरियल ही देखने को मिल जाता है गाड़ी की ओवरऑल लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको थ्री मीटर की लेंथ देखने को मिल जाएगी विथ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1.7 मीटर की विथ देखने को मिल जाएगी एंड अगर हाइट की बात की जाए तो 1.6 मीटर की हाइट देखने को मिल जाएगी तो गाइज नॉर्मल यूसेज के लिए जिनको कार चाहिए जिनको डेली अप डाउन करना होता है तो ये कार उनके लिए बेस्ट मानी जाती है और फ्रंट का में मैं आपको बता देता हूँ तो ये इसकी लाइट्स थी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में तो इसके यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड नीचे इसकी आपको हेलोजिन लैम्प्स भी देखने को मिल जाती हैं आगैर अगर इसकी सस्पेंशन की बात की जाए तो आपको फ्रंट पे इंडिपेंडेंट मैक पर्सन ट विद कॉल स्प्रिंग देखने को मिल जाएगी एंड रेयर में बात की जाए तो सेमी इंडिपेंडेंट आपको देखने को मिल जाती है एंड इसके तो तो अगर हम एक्चुअल डोर हैंडल्स की बात की जाए तो ये भी आपको ब्लैक में देखने को मिल जाएंगे रिक्वेस्ट सेंसर्स नहीं है यहाँ पे खुद आपको अनलॉक करने पड़ेगा इसको एंड पीछे के हैंडल्स की बात की जाए तो यहाँ पे नहीं आपको ऊपर देखने को मिलेगा जस्ट आपको इसको प्रेस करना है एंड ये अपने आप ओपन हो जाएगा एंड इसका रूफ भी आपको ब्लैक में नहीं मिलता है इसमें रूफ भी आपको वाइट ही मिलता है एंड टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो चलते हैं कार के अंदर एंड मैं आपको अंदर से कुछ स्पेसिफिकेशन की बता देता हूँ तो बैठ गया मैं कार के अंदर एंड बात करें फ्रंट की तो ये रहा इसका स्टेयरिंग व्हील जो कि हमें लेदर ऐपे नहीं देखने को मिल जाता बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिल जाएगा एंड स्टेयरिंग मोडेड कंट्रोल्स भी हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल जाते हैं बीच में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा एंड बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो यहाँ पे हमें डिजिटल एंड एनालॉग दोनों देखने को मिल जाते हैं तो बीच में आपको यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन देखने को मिल जाएगी तो इसमें आपको डिस्टेंस शू एमटी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा डोर ओपन वार्निंग के देखते हैं तो यहाँ पर आपको डोर ओपन वार्निंग भी देखने को मिल जाती है तो गाई इसमें आपको और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन या कोई भी स्क्रीन नहीं देखने को मिल जाती है वो बाद में चाहे तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं नीचे आपको यहाँ पे ए सी इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं एंड साइड पे भी आपको यहाँ पे ए सी इवेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे की बात की जाए तो ये ए सी के कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं एंड ये थोड़ा सा प्लास्टिक है ये मुझे पता नहीं क्या चीज़ है यहाँ पर आपको थोड़ी स्पेस देखने को मिल जाएगी ट्रांसमिशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फाइव गियर्स मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगी और साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक 12 वार्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है पीछे इसकी हैंड ब्रेक है एंड यहाँ पे आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट देखने को मिल जाएंगी एंड गाइज ड्राइवर साइड डोर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो एक्टीरियर इंटीरियर डोर हैंडल्स है वो आपको यहाँ पर ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा पियानो फिनिशिंग होती है यहाँ पे एंड यहाँ पर आपको पावर विंडोज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है फ्रंट में बैक में आपको पावर विंडो का ऑप्शन नहीं देखने को मिल जाएगा नीचे आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें रखने की जगह मिल यहाँ पे आपको कुछ रखने की जगह मिल जाती है एंड अगर ड्राइवर साइड डोर की बात की जाए तो गाइज़ काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ किया गया है यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा मतलब आपको एटी परसेंट यहाँ पे प्लास्टिक ही देखने को मिल जाएगा कुछ आप यहाँ पे हार्ड फिनिशिंग इसकी नहीं लग रही है प्लास्टिक काफ़ी लूज सा लग रहा है मुझे एंड गाइज इसकी ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो कैबिन लैंप आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी एयर बैग्स की बात की जाए तो गाइड आपको यहाँ पे टू एयर बैग्स अवेलेबल हो जाते हैं एंड ये रहा इसका आगे का सन राइजेज वारंटी मेरे में अवेलेबल नहीं है ऑब्वियस सी बात है ड्राइवर साइड में नहीं होगा बट यहाँ पे आप अपनी कीज या टिकट रख सकते हैं ये रहा इसका आगे का आई आर बी एम तो इसको आप अभी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे मिरर के साथ अटैच है एंड ये रहे इसके ग्रैब हैंडल्स पीछे भी ग्रैब हैंडल्स देख सकते हैं एंड ये रही इसकी पीछे की सीट्स जो कि स्प्लिट सीट्स देखने को मिल जाती हैं ये रहा इसका थ्री सिक्सटी व्यू तो स्पेस आपको आराम से देखने को मिल जाएगी पीछे तीन बंदे आराम से आ जाते हैं तो फाइव सीटर कार है तो गाइज़ आप देख सकते हैं बंदे एडजस्ट हो सकते हैं यहाँ पर एंड uh, जो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे अमरेला रखने की जगह देखने को मिल जाएगी आपको एंड बॉटल रखने की जगह भी देखने को मिल जाएगी तो ग्लो बॉक्स की बात की जाए तो ये रहा इसका इसका बॉक्स जो कि नॉर्मल ही आता ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ज़्यादा छोटा भी नहीं है तो इसको हम नॉर्मल बॉक्स ही कसिडर करेंगे देखा जाए तो यहाँ पे आपको वाइपर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको लाइट्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा एंड इधर भी देखा जाएगा आपको यहाँ पे इको मोड का कुछ देखने को मिल जाता है जिसमें लीफ लगे होते हैं उसको आपको इको मोड ही हम कंसिडर करते हैं तो आगे आपको फ्रंट में इको मोड देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे अभी आपको जो एवेंट्स है उसके ऊपर आपको पियानो फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी ओ आर वी एम्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे तो आपको अपने हिसाब से मेरे ख्याल से खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसका फॉल्ट लगा क्योंकि ओ आर वी एम के कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं अगर आप मैनुअल एडजस्ट करेंगे तो आपको मिरर ओपन करके ही मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ओ आर वी एम के कंट्रोल्स कहीं नहीं देखने को मिल रहे हैं तो ये काफी ज्यादा सैड बात है क्योंकि इसके कंट्रोल्स हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं एंड ये रहा इसका आगे का लुक आप जैसे कि देख सकते हैं ड्यूल टोन कलर्स में आती है यहाँ पे ये ब्लैक एंड थोड़ा सा वाइट है ये तो गाइज स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की अब आप मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे आपको टेल्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है बट टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा तो ये रहा इसका अंदर का व्यू तो गाइज आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये जिसका अंदर का व्यू है इंटीरियर लुक्स हैं वो कैसी लगी हैं एंड जो जो चीज मिसिंग है आप मुझे वो भी बता सकते हैं अगर मैंने वीडियो में नहीं बोली हो तो तो करते हैं इसके इंजन को ओपन में आपको इंजन की कुछ और स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ एंड गाइज इसकी डोर की बात की जाए तो तो गाइज जैसे कि देख सकते हैं यहाँ आप पर आपको यहाँ पे नाइन्टी डिग्री का ऑप्शन मिल जाता है डोर ओपन का आप यहाँ भी देख सकते हैं मैं आपको इसका डोर भी ओपन करके बता देता हूँ तो ये भी आपको 90 डिग्री में ही ओपन हो जाएगा तो जैसे कि देख सकते हैं ये कार की लुक्स एंड पीछे की अगर बात की जाए तो यहां पे आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा विंडोज को कोई पावर विंडो ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होता है तो करते हैं क्लोज तो फ्रेंड्स ओपन कर लिया इसके इंजन को एंड बात करें इसके इंजन की तो यहाँ पे आपको 1200 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा 1.2 पॉइंट इंजन टाइप एंड गाड़ी की पावर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 84 फोर की मैक्सिमम पावर दे देती है गाड़ी एंड टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 130 न्यूटन मीटर न्यूट्रोमीटर की जो टॉर्क होती है वो देखने को मिल जाती है वारंटीज़ uh, का गाइज अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया हो गया क्योंकि आपको वारंटी बैटरी की तो नहीं देखने को मिलेगी बट ई के हिसाब से आई थिंक टू किलोमीटर एंड डिस्टेंस के हिसाब से आई थिंक सो सेवेंटी फाइव थाउजेंड के करीब आस पास आपको देखने को मिल जाएगी एंड ऊपर के इसके इंसोलेशन आप जैसे कि देख सकते हैं तो ये रहा इसका इंजन तो गाइज़ अगर आपने टाटा पंच बुक कर लिया एंड आपको इसका इंजन का रिव्यू अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड मुझे ये भी बता सकते हैं कि इसका इंजन कैसा है तो करते हैं इसके इंजन में क्लोज तो ये रही टाटा पंच प्योर बेस मॉडल तो आई होप आपको ये कार पसंद आई होगी एंड अगर आपको इसके लिए कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं मैं आपको डीलर का नंबर भी प्रोवाइड करूँगा आप डायरेक्ट उनसे जाकर भी पूछ सकते हैं तो गाइज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ये कार भी कार रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी तो प्लीज़ बताना एंड गाइज़ अगर आपको वीडियो भी पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी दबाना तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम एंड हैव अ नाइस डे